कांकेर हमले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने नक्सलियों को शहीद बताया, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रिया सुनेत ने शहीद कहा, कांग्रेस ने सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी और इस मुठभेड़ में 29 नक्सली मार गिराए गए थे। कोई राजनीति नहीं करना चाहती, मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। कांकेर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराने का काम सुरक्षा बलों ने किया था। इसके बाद से जो सियासी बयानबाजी है उसका दौर शुरू हुआ। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने नक्सलियों को शहीद बताया है। सुप्रिया सुनेत ने इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस ने सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया है। Zee News.